एनईसी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। हमारी एनईसी जब 50 साल हो गया और पूरी नॉर्थ ईस्ट में आज के दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, और साथ ही हमारे अरुणाचल के धर्म में कहा जाए तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हर जिले में आज सरकार आपके द्वार में हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एनईसी इनिशियली ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आज का दिन ही 50 साल पहले, आज 50 साल हो गया। ये आज वैलिडिटी फंक्शन है एनईसी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। अभी हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज सेलिब्रेशन हो रहा है। हमारा अरुणाचल में भी ये स्टेट लेवल फंक्शन है, तो रीजनल लेवल में सेंट्रली अभी गुवाहाटी में सेलिब्रेशन हो रहा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उधर चीफ गेस्ट है। हमारा यहाँ आज तबातादिर सर ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स चीफ गेस्ट था, तो हम कॉमेमोरेट करने के लिए एनईसी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो है मेनली फोकस करने के लिए हम लोग 8 स्टेट्स, प्रीवियसली 7 स्टेट्स था, सिक्किम आने के बाद 8 स्टेट्स हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो 8 स्टेट्स हम लोग एक साथ है। हम लोग स्टेट अलग अलग होने से भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनईसी हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर आने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का गाइडेंस से हम लोग का जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ विथ द लीडरशिप ऑफ एनईसी जो हेडक्वार्टर शिलोंग में है उसी से हम लोग का जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है चलता है। तो आज कंक्लूड हो गया हम लोग का 1 वीक सेलिब्रेशन ऑफ द एनईसी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ एनईसी फाउंडेशन। 28 अप्रैल से शुरू हुआ था। हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारा स्टेट में 2 मेन बड़ा फंक्शन हुआ। फर्स्ट फंक्शन हुआ 30 अप्रैल 2022 में असेंबली डीके हॉल में हुआ। उसमें आपका सेंट्रल मिनिस्टर भी नीतीश प्रामाणिक आया था एज ए चीफ गेस्ट। हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर था गेस्ट ऑफ ऑनर, और बहुत ऑनरेबल मिनिस्टर्स एमएलएस एंड सेक्रेटरीज कमिश्नर्स एनजीओस फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स फ्रॉम आरजीयू ऑल्सो अटेंडेड फंक्शन ऑन 38। दैट वॉज ऑल्सो स्टेट लेवल सेलिब्रेशन। टू डेज इज ऑल्सो स्टेट लेवल सेलिब्रेशन। आज ये सेलिब्रेशन एनईसी फाउंडेशन वीक और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल आज खत्म हो।